जय माँ काली। मित्रों, आपका मेरे चैनल स्वप्न रहस्य में स्वागत है। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज का जो स्वप्न है वो स्वप्न ये है कि अगर आप स्वप्न में शादी होते देखते हैं, यानी अपनी शादी देखते हैं या अपने किसी मित्र की शादी देखते हैं, किसी जानकार की शादी देखते हैं, तो इसका क्या अर्थ होता है? देखिए मित्रों, शादी देखना शुभ नहीं माना जाता, लेकिन कुछ ऐसे सपने होते हैं शादी के जो शुभ भी माने जाते हैं। तो शादी का दोनों तरह का अर्थ होता है, वो शुभ भी होती है और अशुभ भी होती है। तो हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार की शादी शुभ मानी जाती है और किस प्रकार की अशुभ मानी जाती है जो आप स्वप्न में देखते हैं। पहली बात तो ये कि जब भी आप शादी का स्वप्न देखते हैं तो सबसे पहली बात ये आती है कि आप किसकी शादी का स्वप्न देखते हैं। अगर आप अपनी शादी का स्वप्न देखते हैं तो ऐसी परिस्थिति में ये शुभ नहीं माना जाता, ये अशुभ स्वप्न होता है। और अगर आप अपनी शादी स्वप्न में देखते हैं तो इसका अर्थ ये है कि आपके जीवन में कोई ना कोई रुकावट आने वाली है, कोई ना कोई मुसीबत आने वाली है। अगर आप स्वप्न में देखते हैं कि आप अपनी शादी के लिए गहने खरीद रहे हैं या अपनी शादी के कोई गहने आप देखते हैं, अंगूठी देखते हैं, किसी भी प्रकार की ज्वेलरी अगर आप देखते हैं, तो इसका अर्थ यह है कि आपका कोई नुकसान होने वाला है, कोई आपके खिलाफ षड्यंत्र रच सकता है, साजिश रच सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में ये स्वप्न शुभ नहीं माना जाता। अगर आप किसी ऐसे लड़के लड़की की शादी देखते हैं जिसको आप नहीं जानते, आपने उनको कभी नहीं देखा है और उनकी शादी हो रही है, यानी अनजान व्यक्ति की शादी देखना शुभ माना जाता है। स्वप्न में किसी अनजान व्यक्ति की ज्वेलरी देखना, गहने देखना भी शुभ माना जाता है। तो इस प्रकार का स्वप्न शुभ माना जाता है और अपनी शादी देखना अशुभ माना जाता है। अगर आप देखते हैं कि आप स्वप्न में किसी को फेरे लेते हुए देखते हैं, आप देख रहे हैं कि कोई व्यक्ति फेरे ले रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में आपके जीवन में कोई बाधा आने वाली है, कोई ऐसी मुसीबत आएगी जिस कारण से आपको काफ़ी बड़ी परेशानी उठानी पड़ेगी। अगर आप स्वप्न में अपने दोस्त की शादी देखते हैं, जो आपके दोस्त हैं अगर उनकी शादी हो रही है, तो ऐसा स्वप्न भी अशुभ माना जाता है, वो स्वप्न आपको कभी भी शुभ फल नहीं देता है। तो इस प्रकार की जो शादियां आपको दिखाई देती हैं वो दोनों कई प्रकार के आपको फल देती है, जिसमें आपके जीवन में अशुभता भी आती है और शुभता भी आती है। लेकिन हमें इन सपनों को पहचानना पड़ता है, उनका अर्थ हमें जानना होता है, तभी जाकर के हमें वास्तविक स्थिति का पता लगता है। तो मित्रों, ये थी जानकारी आप सभी के लिए। माँ भगवती से यही प्रार्थना करते हैं कि वो आपके भंडारे भर आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहे। आपसे फिर मिलूंगी अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।